ये वीडियो देखने का मेरे दीदी से और हमको डायरेक्ट कॉल करेगा, उसके बाद में बोलेगा कि तुमको पैसा हम इसलिए भेज देता है ना, फॉरेनर लोग भी आ रहे हैं, पता नहीं क्या है इसके अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सानी शर्मा ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं आउटिंग, संडे है और ये मेरे पास है भुजिया, तो हम सोच रहे हैं कि यही कहीं ढाल दो तो कबूतर खा लेगा, क्या सोच रही हूँ, देखती है ढालती है। एक प्लेट पे रख देती हूँ, ठीक है, इसका ऊपर रख देती हूँ। ये ना ये लग गया था, क्या बोलते हैं, क्रॉस लग गए भुजिया पे, इसलिए यहाँ पे ढाल दी मैंने। कबूतर तो खा लेगा कम से कम, यहाँ पे बैठे हैं बहुत सारा कबूतर, वो लोग खा लेंगे। इनका फर्स्ट संडे है और मेरा भी आज आउटिंग है, आज हम काजल कैसे लगाए तो आज पूरा ब्लैक बन के जा रहा है, ब्लैक पर ही बन के जा रहा है। इवन वॉच भी ब्लैक है, रबर भी ब्लैक है, बैग भी ऑलमोस्ट ब्लैक ही है, तो आज ब्लैक पर ही बन के जा रही हूँ। करना है जेरोक्स तो हम जाएगा इस साइड से, यहाँ पे है जेरोक्स वाला, चलते हैं। ये है प्रगति नर्सिंग कॉलेज और वो है डायना नर्सिंग कॉलेज और ये है रास्ता। लोग सब सोचता होगा कि ये लड़की अकेला अकेला क्यों जाता है, हमेशा अकेला अकेला जाता है, तो अकेला अकेला ही घूमता है। हम अकेला तो नहीं है, साथ में मेरे साथ में आप सब लोग हो, आप लोग सब सबसे बात करते करते हम अपना मंजिल पहुंच जाता है, उसके बाद अपना काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर वापस कॉलेज आ जाती हूँ। और कॉलेज में भी तो क्लास रूम में होती हूँ, तो अपना माँ से, दीदी से, दोस्त से बात करते करते कब समय चला जाता है पता ही नहीं चलता है, तो खुद को अकेला महसूस नहीं होता है। और वैसे भी जब अकेला महसूस होता है तो सोचता है कि हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ना है मेरा मोटिव तो पढ़ना है, वही सोचता है। पर वही 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 ओके, तो मैं अब चलती हूँ अपनी मंजिल की ओर। जेरोस का दुकान बंद है, सोचा है कि पान खा लिया, देखा तो पान का दुकान भी बंद है, तो अब हम चलते हुए पास में एक मॉल दिखाता हम जो, तो वो मॉल हम बहुत दिन से सोच रहे कि जाएगा जाएगा, तो आज जाके देख लेते हैं कैसा होता है मॉल के अंदर। ये पहुंच गए मैं हाईवे, इलेक्ट्रिक से चलने वाला मॉल पहुंच गया है, तो सामने तो यहाँ से बस यही है यूनियन, यहाँ चलते हैं अब। या फिर ये वाला, इतना सारा ट्राई करके देखा पसंद नहीं आया, ये वाला देखती हूँ। पर यहाँ से लिया एक टी शर्ट, एक टी शर्ट बस, एक टी शर्ट 200 का। यहाँ पर उसकी कॉफ़ी खाया जाए, हम अभी कॉफ़ी पीने के लिए आया, बड़े महंगे पड़े हैं हमें। कपड़ा देखने का सोचा कि कॉफ़ी पिएगा, कॉफ़ी पिएगा बोलते यहाँ पे गुस्सा है तो इतना महंगा है भाई कॉफी पीगा होता, पर चाय पी रहा है, वो भी चाय का 60 रुपीस, बहुत महंगा है। गया हमारा चाय, यहाँ बैठी क्या चीज होता हुआ यहाँ पे, एक बार आपको आप लोगों को घुसा के देखे, घुसा के दिखाएगा ठीक है क्या है अंदर में। वो फॉरेनर लोग भी आ रहे हैं,
पता नहीं क्या है इसके अंदर। बस चाय की चुस्की ले लेते हैं। अगर इसको 10 रेटिंग देना होगा तो बेकार का है, 4 दूंगी। 60 रुपीज़ का चाय है, वो भी मजा नहीं। ये वीडियो देखने तो मैं दीदी से और हमको डायरेक्ट कॉल करेगा, उसके बाद में बोलेगा कि तुमको पैसा हम इसलिए भेज देता है ना कपड़ा खरीदने के लिए, तुमको हम खाओ बोलते भेजता है। मुझे पूरा गाल देने से लगा, दीदी देखो तुम हमको जितना पैसा बताते भेजा था वहाँ से बस हम दिखा देता है, उतना ही खर्चा किया है और ये 60 रुपीज़ में पहुँचाई दे रही हूँ। ठीक है, दिखा दी मैं कितना रुपया खर्चा किया मैंने। ये भी प्रूफ है, ओके ज़्यादा मत बोलिए मुझे। और हम तो कपड़ा लेने का बुकिंग भी नहीं किया था ना वहाँ में, तो वहाँ में तो बस आप लोगों को दिखाने के लिए गया था कि अंदर क्या है। तो क्या मिलेगा, एक औरत मेरे पीछे पीछे घूम रहा था तो हमें अजीब लग गया ट्राई सिप करने के लिए, इसलिए एक खरीद लिया। और यहाँ में भी तो मेरा गलती नहीं है ना, यहाँ में भी कॉफ़ी पीने आया, यहाँ तो कॉफ़ी नहीं है और ये चाय पीने है, और बाकी वस्तु सब इतना महंगा है। फाइनली ये चाय ख़त्म हो गया, बहुत मुश्किल से वेस्ट करने दिल नहीं लगा इसलिए नहीं छोड़ा है, वरना कमती पैसा का होता तो छोड़ के चल देती। अब चलते हैं। हाउ मच इज दिस? 550. हमको ब्लॉग बनाने के लिए डर डर भी लग रहा है पर बना रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे फ्रेश फ्रेश। जब भी मार्केट निकलती थी तो यहाँ देखती थी, पता ही नहीं था कि यहाँ अंदर भी कुछ ऐसा है उनके, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और टाइम हो गया मेरा जा कॉलेज जाने का। मैं अकेली आई हूँ यहाँ पर, मुझे अकेला महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग हैं मेरे साथ। देखिए यहाँ पे थोड़ी सेल्फी ले रही थी मैं, और मैं अकेला आई हूँ फिर भी मैं बहुत इंजॉय कर रही थी, तो इसलिए मैंने हंस हंस के वीडियो बना रही हूँ। मुझे ना बहुत ही शर्म लग रहा है और मैं हंसने की कोशिश कर रही हूँ पर मुँह छुपा रही हूँ, मैं नहीं हंस रही हूँ क्योंकि मैं अकेले आई हूँ और पूरा घूम रही हूँ अकेले अकेले पागल की तरह। लोग मुझे देख रहे थे पर व्यू बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं कॉलेज क्योंकि बजने वाला है 5:00 बजे तक आउटिंग टाइम है। हमको जल्दी से जाना होगा, अभी स्पीड भागो, डैडी हो गया डैडी। अभी अंदर जाके देखने का एक्सपीरियंस आप लोग को अभी हम शेयर करेगा। जब हम वहाँ पे घूम रहा था ना, मुझको इतना हंसी भी लग रहा था कि ला कोई आके हमको पीछे से ए कैमरा बंद करो बोल देगा कि सोच रहा था, पर वहाँ का वेदर इतना अच्छा लग रहा था कि सब लोग अपना फैमिली के साथ परिवार के साथ पूरा बढ़िया से बैठ के चिल कर रहा है। और वो एक ना क्या बोलेगा बार टाइप से था वहाँ पे,
मतलब जो भी चीज़ मिलता है फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ भी बढ़िया था वो जगह ना। और हम फर्स्ट टाइम गए उसके अंदर में, इतना एक साल ज़्यादा हो चुका है बेंगलोर ना, एक बार भी बाहर नहीं गया था और आज अकेला गया। और हम अकेला घूमते हैं मुझे ना कोई भी विश्वास नहीं करता है, नहीं तेरा वहाँ पे बॉयफ्रेंड होता होगा बोलते हैं सब। बहुत अच्छा लगा। अभी मैं स्पीड से चलती हूँ कॉलेज, आज तो खाने के लिए कुछ नहीं लिया, ऐसे ही वो 60 रुपीज़ का चाय पी के मेरा जीप का टेस्ट बिगड़ गया। वो पान वाला खुला है, एक पान ले लेती हूँ। दीदी कैसा लगा तुमको देख के वहाँ का अंदर का? हमको तो बहुत बढ़िया लगा है और फोटो भी खींचा है हम। ओके पान ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ से हम, ये भैया यूपी का है, ये भैया का यहाँ से हम पान लेते हैं कभी कभार। बना रहे भैया पान और कुछ नहीं ना, मीठा थोड़ा सा और? मीठा मीठा वाला क्या क्या, लाल सफ़ेद क्या ग्रीन क्या क्या होता है ना, वो सब डाल दीजिए। तो अब इसको लेके फटाफट दौड़ूंगी मैं कॉलेज की ओर। खुद के साथ अकेला घूमना बहुत ही मज़ा लगा, बहुत अलग से एक बहुत खुशी लग रहा था हमको उसके अंदर में, और बहुत अलग से डर भी लग रहा था। फिर भी वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए, देखिए इंजॉय करिए और कैसा लगा कमेंट करिए। बस आप लोगों को ही दिखाने के लिए हम वहाँ घुसा था, क्योंकि हम जब चाय पी रहा तब आप लोगों को पता है ना हम कि वहाँ घुस के दिखाएगा उसे, इसलिए। और वहाँ पर वो लॉकेट बहुत अच्छा लगा था मुझे, पर 500 बोला उसका दाम। मेरा औकात से बाहर है। ओके अभी मुँह भी सूख गया, फटाफट कॉलेज पहुँच जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, हम पहुँच गए फाइनली अपना कॉलेज। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय।